अबुझमाड़ के हापाटोला में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों द्वारा 29 नक्सलियों को मार गिराए जाने को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी सफलता करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने भविष्य में भी इस तरह की कवायद जारी रहने की बात कहते हुए कहा कि बहुत ही कम समय में मोदी जी के नेतृत्व में हम देश से नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही भाजपा सरकार ने नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ लगातार अभियान चलाया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद उस अभियान को और गति मिली है। देखिए, सबसे पहले तो मैं समग्र देशवासियों को, सभी राम भक्तों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अभियान में और गति आई है। 2014 से ही हमने कैंप लगाना शुरू किया था, 19 के बाद कम से कम 250 कैंप लगे और सुरक्षा वैक्यूम को खत्म किया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस का भी सहयोग जितना इच्छनीय है उससे ज्यादा ही मिल रहा है। इसका परिणाम है कि सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कॉम्बिनेशन आगे भी चालू रहेगा और बहुत कम समय के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हम देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे।